हरे कृष्णाय नमः। श्री मन्महागणाधिपतये नमः। श्री मातृचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सर्वदेवेभ्यो नमः। गोवर्धननाथ पाद जुगलम हयं कवीनो प्रियं नित्यं श्रीमथुराधिपं सुखकरं श्रीविठ्ठलेशं मुदां श्रीमद्वारवती सगोकुलपति श्रीगोकुलिन्दुं विभुं श्रीमन्मन्मथमोहनं नटवरं श्रीबालकृष्णं भजे। अंगे तो बामे वृषभानजामदां विराजमानां मनरूपशौभगां सखी सहस्रैकवरिषेवतां सदां ईश्वरं सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो वशीकरणचूर्णमनन्तशक्तिं तं राधिका चरणरेणमहं स्मरामि। कैसे रसरास ही मैं गाऊं श्री राधिका श्याम की प्यारी तुमरी कृपा बास ब्रज पाऊं। अन्य देव स्वप्ने ना जानो मैं दंपति को सिर नाऊं। भजन प्रताप चरण महिमा ते गुरु की कृपा मनाऊं। नवन कुंज वन धाम वृंदावन आनंद कुटी छबाऊं। सूरदास यह विनती बिनबो जन्म जन्म यही धाम। श्री कृष्णाय नमः। भाई आगे गाए पाछे गाय एत गाय उत गाय गाय धारी बेट
गीत गाए उत गाए गायन में गोविंद बज वोही भावे बज वोही भावे बज वोही भावे आगे आगे गाय गाय बाद बाद गाय गाय एत एत ओत ओत गाय 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 गायन में गायन में गोविंद को गोविंद को बज वोही भावे संध्या आरती करत सहेली संध्या आरती करत सहेली संध्या आरती करत सहेली श्याम श्याम गुण गर्व गहेली श्याम श्याम गुण गर्व सहेली संध्या आरती करत सहेली निरख निरख छब नैन नवेली निरख निरख छब नैन नवेली अंग अंग
वृंदावन धाम को पास बनो पास बहे यमुना पट रानी जो जन नाई के ध्यान धरे वे कुंठ मिले प्रीतम जू आपके नित्य विहार को समय है गयो सो आप कृपा करके नित्य रास मंडल में पधारो। अच्छो सखी हे गोपी जन वल्लभे प्रियतमे हे रास लीलो सुखे हे वृंदावन राज पट महिषी हे निकुंज आदपे हे संगीत कलाद पूर्ण कुशले रासो सवे गम्यताम गम्यताम। हे किशोरी जो आपके नित्य विहार को समय है गए सो कृपा करके नित्य रास मंडल में पधारो। ममा पीपर मोद कंठा निकुंजी रास मंडले गम्यताम गम्यताम पीष्ट गोपी उथाद भिरमुदा। चलो चले सब चलो चले सब सखियन ले और नव निकुंज के क्रिकेट दबदा क्रांता धाधा कर क्रिकेट दबदा क्रांता धाधा कर क्रिकेट दबदा क्रांता धा छवि छाई छविली वृंदावन में छवि छाई छाई छविली वृंदावन में चलो कुंजन में चलो खेले खेले कहूँ कुंजन में चलो खेले अकेले कहूँ कुंजन छबीली वृंदावन
तीर चल रही कैसी हाँ समीर बोले तीर चल रही कैसी लूट सखी हर से आज रस रास सखी लूट सखी हर से राधे देख रंग बरसेंगी हाँ रूप
राधे बेनन में हरी बेनन में हरी बेनन में छवि छाई छविली वृंदावन में छवि छाई छविली वृंदावन में छवि छाई छविली वृंदावन चमेल बेल माल कीने बारी कुंजर फूल के लिए चांदनी ऊपर सितार में नो बांसुरी मृदंग सर गोपाल तिल कन्या दरिंद के नाच उठे कमलन में नाच रही अवली अरविंद की राधा संग नाच रही पलक खोल जांच रही नैनन में नाच रही मूरत गोविंद की कल्प वृक्ष प्रगटे आए बाहू पे मेरे नैन पक्षी चकोर हैं तेरे नैन उड़कन सी आरा तेरे नैन उड़कन सी ऊंची ओ तंग भरे बाहू पे मेरे नैन पक्षी चकोर हैं तेरे नैन मेरे नैन मेरे नैन तेरे नैन मेरे नैन चोर बेकू तेरे नैन चोर हैं राधे 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 एक स्वरूप सदा द्वैनाम सदा सर्वदा युगल एक छवि एक युगल तन विल सतधाम श्री हर प्रिया निरंतर नित प्रत काम रूप अद्भुत अभिराम एक स्वरूप सदा द्वै नाम एक बेर आदि ब्रह्म अच्युत अविनाशी की एक बेर आदि ब्रह्म अच्युत अविनाशी की दो बेर दानव दलैया जन रखैया की तीन बेर बोलो जय वाम त्रिविक्रम की चार बेर शंख चक्र पद्म गद धरैया की पांचे पुरुषोत्तम छठी छिथि भक्य साते श्याम आ
नंद के कन्हैया की। बंदन करत दस बेर दस रूप धारी, बेर बेर बोलो जय रास के रचैया, बेर बेर बोलो जय रास के रचैया। जुगल किसान के हैं जन्म जन्म घर जाए चाकर। चूक परे पर हरे न कबहूं, चूक परे पर हरे न कबहूं, सब ही भांति दया के सागर। त्रिभुवनु में प्रणदन पोषण परम सुधाकर। जुगल किशोर हमारे ठाकुर, जुगल छवि आज अनूप बनी, जुगल छवि आज अनूप बनी। बलिहार गोरी राधा श्याम सांवरे, नखद सिख कमनिया। आई छबीली वृंदावन में चल जाई, छबीली वृंदावन में चलो खेले अकेले कहूं कुंजन में, चलो खेले अकेले कहूं कुंजन में, राधे कुंजन में ओ प्यारी कुंजन में। छवि आई छवि वृंदावन में, छवि छाई छबीली वृंदावन में। श्री सीताराम बांसुरी बजावे बजावे, बांसुरी बजावे प्यारो नदलाला। रास रचावे संग में ब्रजवाला, ओ पाला रास रचावे संग में ब्रजवाला। बांसुरी बजावे प्यारो नंदलाला, रास रचावे संग में ब्रज बाला बाला, रास रचावे संग में ब्रज बाला। क्या चाल सान अनुभेदी है, जिन देखा तिन के चित्र रतन, अनमोल बिके सस्ते सस्ते। रस रूप माधुरी वरसत है, चले जात रस्ते रस्ते, श्याम सुंदर मनमोहन ने छीन लिया हंसते हंसते। राधे बांसुरी बजावे प्यारो प्यार,
बंसी बजी जमुना जी के तीर आली काली से अधिक ये बंसी विसुत पात वह काटते चढ़त है यह फूके चढ़ जात कौन ठगोरी करी हरियाद रस भीली कान परी जिनके तिनके दिन ही तिन लाज विदा कर दीनी घूमे घड़ी खड़ी नंद के द्वारे नबी ने कहा कहूं बात प्रवीनी या ब्रज मंडल में रस खान कौन भटू जो लटू ना कीनी कौन भटू जो लटू ना भले हार जय हो देखा रे ये नद का लाला परछी मारे जाता है परछी से तिरछी चितवन में चलाता है हमको घायल कर वे दर्दी आप खड़ा मुस्काता है ललित किशोरी जख्म जिगर पर नौनपुरी भुरकाता है दीदार रहा गुलाल बिहारी तेरे का उपमा का मुझे विचार रहा उबी सी दौलत मिली तुझे मिली तुझे मिली तुझे उबी सी दौलत मिली तुझे तेरा दिल ना उदार रहा दर्द मंद बीमार रहा हरदम परदम हम तेरा ही सुमिरन करते हैं 21,600 श्वासों को रात दिना में भरते हैं तुमको क्या मालूम है प्यारे श्री राधे संत कृपा से भगवत कृपा से
पूज्य संतों की पावन सन्निधि में, पावन उपस्थिति में, पूज्य महाराज जी की पावन भावमयी उपस्थिति में, और आज तो हमारे सेवाश्रम के पूज्य महाराज जी पर श्री नवल, हमारे घर अतिथि नारायण संत महापुरुष आते हैं पर हमारे द्वार से विमुख होकर चले जाते हैं, क्योंकि उनको भिक्षा देने के लिए हमारे समीप में कुछ है ही नहीं। अन्न की तो चले क्या, अन्न की भूसी भी नहीं है। ये आपकी कैसी कृपा है विट्ठलनाथ? क्यों नहीं, आज मैं ब्राह्मण देव को कहीं नौकरी के लिए भेजूंगी। मैं तो तेरे गुण गाऊं रे मुरलिया बार श्याम, मैं तो तेरे गुण गाऊं रे मुरलिया वाले श्याम, मुरलिया बारे श्याम, मुरलिया बारे श्याम, मैं तो तेरे गुण गाऊं रे मुरलिया बारे श्याम, मैं तो तेरे गुण गाऊं रे मुरलिया वाले श्याम। वृंदावन रास रचायो है, वृंदावन रास रचायो है, शिव गोपी बन के आयो है, शिव गोपी बन के आयो है, तेरे चरण कमल पे बारी रे मुरलिया बारे श्याम, तेरे चरण कमल पे बारी रे मुरलिया बारे श्याम, मैं तो तेरे गुण गाऊं रे मुरलिया बारे श्याम। बोलो विट्ठल भगवान की जय। ऐसा नहीं भैया, कृते ध्यायते विष्णु त्रेतायाम यजतो मखई द्वापरे परचर्यायाम कलौ तद्धर कीर्तनाद। सतयुग द्वापर त्रेता आदि युगन में यज्ञादिक क्रिया कर्म करवे पे या जीव की मुक्ति भयो करे ही, परंतु वर्तमान में ये कलिकाल है, या कलिकाल में हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम ही केवलम कलौ नास्तैव 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 गतिरण्य था, या कि और कोई गतिमति नहीं, केवल कृष्णाश्रय बनो, क्योंकि जीव आत्मा को जब तक कृष्णाश्रय नहीं प्राप्त होगो तब तक कृष्ण को सानिध्य हु प्राप्त नहीं होगो। या ते सब मिलके बोलो बोलो विट्ठल भगवान की जय। रात दिन तेरे गुजरते हैं हंसी खेलों में, जिंदगी बीत जाएगी इन्हीं झमेलों में, तू तो गफलत में है तुझको पता न चलता है, तेरा हर श्वास बड़ा कीमती निकलता है। तो ये जब कीमती सांस हैं तो श्वास श्वास पे कृष्ण भज, वृथा श्वास जन खोए ना जानू या श्वास को आवन होए ना होए, काहे को बिसारा हरि नाम माटी के पुतले, काहे को बिसारा हरि नाम, अरे काहे को बिसारा हरि नाम के पुतले, काहे को बिसारा हरि नाम, हरि नाम तूने काहे को बिसारा हरि नाम, माटी के पुतले काहे को बिसारा हरि नाम, माटी काहे को
के पुतले काहे को बिसारा हरि नाम। ध्यान दो, राम भजो ना कियो कछु सुकृति, सुंदर यो पछताई रहे गो, सांझ ते भोर घड़ी पल माहे, तोई काल अचानक आए गए गो। तेरे काल अचानक आए गए गो, कोटी उपाय किए धन के हित, तेरे भाग्य लिखो उतनो ही मिलेगो। अरे तू कछु और विचारत है नर, तेरो विचार धरो ही रहेगो, तेने काहे को बिसारा हरि नाम। ओ बाबा तूने काहे को बिसारा हरि नाम। स्वामी मैं आपके लिए प्रणाम करती हूँ। सदा सौभाग्यवती प्रसन्न होना, कृपा है विठल नाथ की। स्वामी आज उदास हो कछु? हाँ स्वामी, हमारे द्वारे पे थे विप्रदेव अतिथि नारायण सब विमुख है के लौट जाए हैं, क्योंकि हमारे समीप में उनके सेवा करवे के लिए कछु है ही नहीं। ये तो भाग्य की विडम्बना है ब्राह्मणी हमारी। स्वामी आप नगर में जाके कहूँ नौकरी क्यों नहीं देख ले हो। हाँ ये बात तो सही कही तुमने, आपने जो शब्द कहे हो नौकरी चाकरी, परंतु हमारे शास्त्र कहे हैं ब्राह्मण को धन केवल शिक्षा, केवल ब्राह्मण को शिक्षित, शिक्षा के द्वारा जो धन उपार्जन है जाए वाकू वाई में संतोष करना चाहिए। और हम कर्म हूँ कर रहे हैं, पर कर्म करते भाई लक्ष्मी न मिले तो ये तो हमारे भाग्य को ही दोष है, परंतु तुम्हारो वो कथन सत्य है। गृहिणीम ग्रह मुच्यते ना गृहिणीम ग्रह मुच्यते, आप सबरी ग्रहण को उतारवे बारी हो। आज आपके मन में जरूर कोई विठल नाथ की कृपा भई है, हम अवश्य आपके शब्दन को स्वागत करें हैं, जाएंगे कहूँ। हाँ देख के आओ नो। बिल्कुल तुम यहीं रहो। हाँ मैं यहीं। हे विठल भगवान, मैं आपके चरणों में ये प्रार्थना करती हूँ, यदि मेरे स्वामी को कहीं नौकरी मिल गई तो मैं 108 ब्राह्मणों को भोजन कराऊंगी, नौकरी मिल जाए विठल देव। कितना सुंदर संकल्प है, 1,000 ब्राह्मण साधु संतों को भोजन कराना है। तो यदि सुंदर संकल्प हो, सत्य संकल्प हो, तो प्रभु अवश्य पूरा करते। बोले हरी हरी तेरी, तेरी नस नस बोले हरी हरी तेरी, नस नस बोले हरी हरी तेरी, नस नस बोले हरी हरी तेरी, नस नस बोले हरी हरी। तालियों की सेवा करें। महाराज इनकी तो नस नस बोल ही नहीं रहे हैं, सब चुप बैठे हैं। नस नस बोले हरी हरी तेरी, नस नस बोले हरी हरी, नस बोले हरी हरी तेरी, नस नस बोले हरी हरी तेरी, नस नस बोले हरी हरी तेरी, नस नस। मैदनीपुर के नवाब साहब तशरीफ ला रहे, रास्ता साफ करो, हल्ला गुल्ला बंद करो, ये क्या शोरगुल हो रहा है, बंद करो, नवाब साहब आ रहे हैं, तशरीफ ला रहे हैं। नस नस बोले हरी हरी, भैया अबे अंधों के बच्चे, मैं सुबह से देख रहा हूँ तुम में भागम भाग चल रहा है, कोई कहीं भाग रहा है, कोई कहीं भाग रहा है, कोई किसी खालसा में भाग रहा है, कोई किसी खालसा में भाग रहा है। ए तुम लोगों को शर्म नहीं आती है? ए रात 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 को भी तुमको चैन नहीं पड़ रहा है? ए बीच में बीच रास्ते में खड़ा है नवाब साहब, आ रहे तशरीफ ला रहे, और नजर पड़ी कयामत आ जाएगी। ए और कहाँ से आ गया बाबा जी? ए भागते भागते तुम्हें पैर नहीं टूटते हैं क्या?
तुम इंसान हो या कोई खुदा हो, कौन हो तुम? ये तो भैया राष्ट्रीय राजमार्ग है। ये राष्ट्रीय मार्ग है, यहाँ राष्ट्रीय मार्ग नहीं और नवाब साहब का मार्ग है। नवाब साहब हमारा शासन चलता है हिंदू, समझ रहे हो? अच्छा तुम राष्ट्रीय मार्ग में घूम रहे हो, यहाँ हमारे मार्ग में घूम रहे हो आप। तुम लोग हम लोगों के गुलाम हो, आपत्ति है हमसे पूछ कर घूमो इधर। अच्छा हमसे बिना पूछे पानी भी नहीं पी सकते हिंदू हो? सही बात कह रहे हो। और मैं तुम लोगों को देख ला, मेरा भेजा खराब हो जाता है, बीच रास्ते में क्यों खड़े हो? अच्छा क्यों खड़े हो, क्यों क्यों खड़े हो भैया? हम तो ये शोरगुल स्वयं कर रहे हैं, इनसे करा रहे हो, किधर प्रदूषण उड़ रहा है, इधर इधर देखो इधर हल्ला, इधर जाओ तो उधर हल्ला, इधर जाओ तो उधर हल्ला, हो क्या ये क्या मांग रहा है तुम लोगों का भैया? अब हमें भी बोलने दोगे क्या? बोलो बोलो। अरे तुम ही लोग बोल रहे हो, मैं कहाँ बोल रहा हूँ, आज ही तो बोल रहा हूँ, 10 दिन से तुम ही बोल रहे हो। बात भी सही कह रहे हो भाई, परंतु अब आपको कहाँ आदेश है हमारे लिए? ये बीच रास्ते में क्यों खड़े हो? कीर्तन करना है अपने घर पे जाके करो, यहाँ कीर्तन करना प्रतिबंध है, समझ रहे हो? कारण क्या है? कारण तो पता नहीं, बीमारी चल रही है। कौन सी? दो गज की दूरी माँ से जरूरी। मैं तो दूर हूँ। तो कुछ भी नहीं है, मैं तू वैसे घूम रहा है। ठीक है चलो जाओ अपने, नवाब साहब आ रहे हैं, नजर पड़ी कयामत आ जाएगी बाबा। अच्छा जाओ जाओ जाओ, नवाब निकल जाओ, मैं इधर खड़ा हूँ। उधर रास्ते चले जाओ, एक नंबर गेट पे जाओ। अरे दम पर क्यों इतराते हो मियां? अरे ये दम क्या तुम्हारा है? दम दम में निकल जाएगा तो मुर्दा नाम तुम्हारा है, काहे को परेशान हो रहे? अरे नवाब साहब तशरीफ ला रहे हैं। सही कह रहा हूँ। अरे मैं तुमसे कह रहा हूँ, फांसी हो जाएगी तेरी। नस नस बोले हरी हरी, अरे तेरी नस नस बोले हरी हरी तेरी, नस नस बोले हरी हरी तेरी। मिया मुंशी, मियां मुंशी आइए हुजूर आइए। कैसा शोरगुल है, किससे गुफ्तगू हो रही है? ये गुफ्तगू नहीं हो रही है, मेरे भेजे को खा रहा है। कौन है ये? हिंदू फकीर है। हिंदू फकीर बीच रास्ते में खड़ा है, कीर्तन कर रहा है। अरे खुदा को बुलाना, अपने घर पे बुलाओ, बीच रास्ते में क्यों बुला रहे हो? इनका जहां मन करता है वही बुलाने लग जाते खुदा को। ये खुदा रास्ते में खुदा आएगा कहीं? हिंदू फकीर है। हाँ एक काम करो, उसे हमारे रूबरू पेश करो। क्या करोगे हुजूर, भेजा खराब है लोगों का, ये सुबह से भाग रहे हैं, ये हमको भी भगा देंगे। मियांशी हुक्म की तामीर। बाबा इधर आओ, इधर आओ, अब आपको फांसी होगी। इधर आओ, इधर आओ, अब आपको फांसी होगी, तुम्हारे बीवी बच्चे अनाथ हो जाएंगे। नजर पड़ गई है नवाब साहब की और तुमको बुला रहे हैं आप। बाबा साहेब सलाम। जय श्री कृष्ण नवाब साहब। बाबा साहेब थोड़ी देर पहले आप कुछ गुनगुना रहे थे, मेरे कानों में आवाज जा रही थी, जरा एक दफे सुना सकते हैं? क्या गुनगुना रहे थे आप, जरा एक दफा? आपकी मेहर की नजर हुई तो मैं यही गुनगुना रहा था। तेरी नस नस बोले हरी हरी, तेरी नस नस बोले हरी हरी। तू हरी भज छाड़ मान नरसन को, मत बनके तू तिल तिल धन को। अनुमा जो आगे आवेगो, जो पल लागे पल को, कहे हरिदास नीच जो आवे, सो धन है आपन को। तेरी नस नस बोले हरी हरी, तेरी नस नस बोले हरी हरी। बहुत खूब, बहुत खूब। सब की ओर जाइए बाबा साहेब, हर जन समझे तो आप बताएंगे आपका दौलत खाना कहाँ है और आपका नाम क्या है? नाम हमारा नवाब साहब, हमारा नाम क्या हो सकता है? जैसे कोई घड़ा फूट जाए और जल भर रहा है उसमें, और वह फूटा हुआ जल सागर में मिल जाता है, घड़े का पता ही नहीं रहता है जल कहाँ गया, जल जल में मिल गया, अग्नि अग्नि में मिल गई और मिट्टी मिट्टी में मिल गई। और जब तक सांस शरीर
अब तक नाम अनेक, ये घट फूटे सागर मिले, मेरो दामा नाम है एक। या शरीर को नाम दामा है, मामा मामा नहीं पाजामा नहीं, अच्छा दामा पंत, ना 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 मेरी पंत जाति है, पंत कौन सा पंत, प्रेम पंत, हाँ जिसमें आप चल सको। बाबा साहेब हरजन समझें तो आप मेरे गरीब खाने पर तशरीफ लाएंगे, ये तो मेरा सौभाग्य होगा नवाब साहब, जो कि एक मार्ग के इट रोरे को आप अपने शाही महल में ले जा रहे हैं। मियां मुंशी बाबा साहब को दरबार में लेकर आओ। बाबा चलिए आइए 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 चलिए आइए, आपत गले पड़ गई, आइए 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 चलिए लिखा पढ़ी करेंगे। तेरी नस नस बोले हरी हरी, उधर बैठिए उधर उधर जहाँ हम लोगों की जूती उतरती हैं उधर बैठो, हिंदुओं का वहीं पे स्थान है, वहीं बैठो आगे 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 जहाँ जूती उतरती हैं उधर उधर उधर, हाँ हाँ ठीक है और आगे सर को मियां मुंशी बाबा साहेब कहाँ हैं? कौन से बाबा? बाबा तो बहुत आए हुए हैं, मेला ही भरा हुआ है बाबाओं से। अरे मैं जो कह करके आया था कि इन्हें दरबार में देख कर आओ, वो पंत, हाँ 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 पंत, आ दामा आ, अरे अरे आ, अरे आप तशरीफ रखिए बाबा। कहाँ कहाँ वाह बाबा साहेब, मेरी एक गुजारिश है आपसे। मैं ये देखता हूँ हिंदू लोग हमारे मुस्लिम भाइयों को बुरा बताते हैं और ये हमारे मुसलमान लोग हिंदुओं को बुरा बताते हैं, ऐसा क्यों है मेरी समझ में नहीं आता, ये फर्क क्यों? जब हम उस खुदा की ही तो दो संतान हैं फिर फर्क कैसा? अरे हाथ से बना हिंदू और माँ से बना मुसलमान, हाँ और माँ से हम बने, हमसे बना ये कुल जहां, का से बना कृष्ण तो वो काबा हो गया, रब को पुकारा हमने तो वही राम हो गया। इसलिए न हिंदू बुरा है, न हिंदू बुरा है, न मुसलमान बुरा है, अरे बुरा है वही जिसका ईमान बुरा है। मेरी नजरों में जो हिंदू है या मुस्लिम है कोई फर्क नहीं है किसी में, अरे उसी की हम संतान हैं, जो फिर बुरा क्यों बताते हैं? पुकारा शंख ने जिसको, अजाने दी सजदा जिसको, अरे वही है राम हिंदू का, कहे मुस्लिम खुदा जिसको, तो क्या फर्क है? फूल अनेक हैं, चमन एक है, तारे अनेक हैं, गगन एक है, लाश हिंदू की हो या मुस्लिम की, दोनों का कफन एक है, फिर फर्क क्यों है? मैं तो फर्क नहीं समझता, हम दोनों भाई भाई हैं। हाँ थोड़ा फर्क है, वो है हमारी आपकी बोली का, जिसे हम बजरंगबली कहते हैं आप उसे अली कहते हैं। आप कहते हैं अली, हम बजरंगबली कहते हैं। हाँ आप जिसे बजरंगबली कहते हैं हम उसे अली कहते हैं। जी जी अली। आप जिसे शंकर भगवान कहते हैं हम उसे बाबा आदम कहते हैं। आप जिसे माँ दुर्गा कहते हैं हम उसे बीवी फातिमा कहते हैं। जी। आप जिसे गंगा कहते हैं हम उसे आवे जमजम कहते हैं। बस फर्क है तो केवल ये बोली का फर्क है, वरना अल्लाह कहो खुदा कहो
ईश्वर कहो भगवान कहो एक ही है, वो तो एक है, किसी नाम से पुकार लो। एक बात याद आ गई मुझे, एक सेठ जी थे, उनके एक लड़का था, बुद्धि से थोड़ा कमजोर था जी। उसके सगाई संबंध वाले आते तो ऊट पटांग बातें कर देता कुछ जी। एक दिन पिताजी ने उसके ने डांट करके कहा कि सुनो, कल तुम्हें देखने वाले आ रहे हैं, उल्टी सीधी बातें मत करना, बढ़ा चढ़ा करके बात करना, ध्यान रखना जी। ठीक है पिताजी। 12 बजे का समय था, आने का वो थोड़ा विलंब हो गया। उन्होंने कहा तुम यहाँ बैठो दरवाजे पर, मैं देखने जाता हूँ उन्हें। सेठ जी उन्हें देखने इस रास्ते से गए, वो दूसरे रास्ते से आ गई जी। लड़का दरवाजे पर बैठा था, उनसे पूछा कि अमुक लाला जी का मकान यही है? लड़के ने कहा यही मकान है, एक दिल्ली में मकान, कलकत्ता में मकान, बंबई में मकान, मद्रास में मकान, कोई कमी नहीं मकानों की। वो बैठ गई, सामने किसी की गाड़ी खड़ी थी, उन्होंने पूछा ये गाड़ी लाला जी की है? हाँ ये गाड़ी, एक बंबई में गाड़ी, कलकत्ता में गाड़ी, मद्रास में गाड़ी, बंगलौर में गाड़ी, कोई कमी नहीं। थोड़ी देर बाद उनके पिताजी आ गए, जैसे ही घर में प्रवेश किया उन्होंने लड़के से कहा कि ये आपके पिताजी हैं? कहा हाँ ये पिताजी, एक बंबई में पिताजी, कलकत्ता में पिताजी, मद्रास में पिताजी, बंगलौर में पिताजी, कोई कमी नहीं पिताजी। वो उठ करके चल दिए बेचारे जी। लड़के ने सोचा पिताजी डांटेंगे, मैंने तो बढ़ा चढ़ा करके बात कही है। उन्होंने कहा ये बताओ, मैंने जो कुछ कहा है बढ़ा चढ़ा कर सही कहा है, कुछ कम तो नहीं? उन्होंने कहा बेटा सब कुछ हो सकता है, मकान दुकान 10-20 हो सकती हैं, घोड़ा गाड़ी 400 हो सकती हैं, लेकिन पिता एक ही होता है, और वो पिता एक है, वो ब्रह्म है, बस उसको किसी नाम से पुकार लो, अल्लाह कह दो, ईश्वर कहो, भगवान कहो, तो मैं तो फर्क समझता नहीं हूँ अपनी नज़रों में। आपकी नज़रों में अगर कोई फर्क है हिंदू या मुस्लिम में तो बयां करें आप, बोलो। हुजूर आपकी वार्ता में सार छिपा हुआ है, आओ मेरे कहने को बाकी रही क्या गया, मैं आपकी भाषा को और इन अपनी भाषा को मिलाकर के एक शब्द का प्रयोग करता हूँ जिससे मेरे भाव आपके सामने उभर के आ सकते हैं। ना कुरान में, ना पुराण में, ना इंजल में उसे पाया, अरे जहाँ देखो हरि नाम लो लगाई तो वो ब्रह्म नजर आया। और एक दूसरी बात, हर मिलापी बनके तू दुनिया में गुजरान कर, दिल किसी का मत दुखा हर में हर की पहचान कर। एक शास्त्र का निचोड़ ये भी है कि मवान से जीव लोके जीव भूता सनातन है, ये जीव आत्मा सनातन है, इसका तो परम पिता परमेश्वर ही है, और हम सब एक नूर से सब जग उपजा को भले को मंदे। तो आप इन्हीं भाषाओं में भावित होकर के यही समझें, ना कोई बुरा है ना कोई भला है, यदि बुरा बुरा है तो व्यक्ति का जहां ईमान गिर जाए बस वही बुरा है। बहुत खूब, मियां मुंशी ईमान से जियो। तुम्हारी नजरों में कोई फर्क है हिंदू मुस्लिम? हिंदू के दो फूल हैं, हाँ, हाँ। मुसलमान हिंदू, हाँ। हिंदू के दो फूल हैं, एक स्वर्ग एक सफेद है, एक पैदाइश मगर रंगतों में भेद है जी, ताकतों में एक सम और दूसरा जमशेद है, एक डाली में कुरान तो दूसरे में वेद है। वाह, है मुसलमान एक दो, समझो हिंदू भी नेक है, एक डाली के दो फूल दोनों की खुशबू, कावे में तेरा जलवा, वाह, काशी में नजारा है, कावे में तेरा जलवा, काशी में नजारा है, कावे में तेरा जलवा, काशी में नजारा है, कावे में तेरा जलवा, 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 कावे में तेरा जलवा, काशी में नजारा है, मुझे यह भी प्यारा है, मुझे यह भी प्यारा है, मुझे वह भी प्यारा है, मुझे ये भी प्यारा है, मुझे वो भी प्यारा है।
ही हिंदू राम राम करते हैं, हजर होके ही मुसलमान सलाम करते हैं। हिंद के फूल वो कली से तो खिलते हैं, इधर होली तो उधर ईद गले मिलते हैं, इधर होली तो उधर ईद गले मिलते हैं। कावे में तेरा जलवा काशी में नजारा है, कावे में तेरा जलवा काशी में नजारा है। जमी बदली नहीं आसमान बदला है, जमी बदली नहीं आसमान बदला है, गीता बदली नहीं कुरान नहीं बदला है, गीता बदली नहीं कुरान नहीं बदला है, धर्म बदला नहीं ईमान नहीं बदला है, धर्म बदला नहीं ईमान नहीं बदला है, बदला इंसान है भगवान नहीं बदला है, बदला इंसान है भगवान नहीं बदला है। काले में तेरा जलवा काशी में नजारा है, काले में तेरा जलवा चार चल रहे थे, तभी वहाँ कुछ काम के लोग आए। बात को बात को बात को नवाब साहब की दुहाई है। मियां मुंशी देखो कौन चिल्ला रहा है, बड़ा करो, हम ला जा रहे हैं, इस पर ही आ जाओ। बोलो क्या आफत है भाई, क्या मांझ रहा है तुम लोगों का मुंशी जी? अरे मुंशी जी गए भाड़ में, मुंशी जी आगे बोलेगा कुछ है? हम मंगल बेरिया तहसील से आए हैं। ऊपर क्या करूं मैं, नाचूं? क्यों आए हो? वहाँ के किसान लोग हैं। आप वहाँ के किसान हो? हाँ। मंगल बेरिया के? हाँ। तो फिर मैं क्या करूं? वहाँ के जो तहसीलदार साहब हैं। आप तहसीलदार वहाँ के? हाँ। तो फिर क्या करूं? हम लोगों से रिश्वत लेते हैं। रिश्वत लेता है? हाँ। वो अपना भाई? हाँ। मुसलमान होकर के हिंदुओं से रिश्वत, इन हिंदुओं से, गरीबों से, किसान भाइयों से? ये अन्नदाता है हमारे, ये आज रोड पे बैठे हैं और इनसे रिश्वत लेता है? उसकी ये ताकत, मूर्ख कहीं का, जहन में सीध कर दूंगा उसे। मुसलमान भाई होकर के किसानों से रिश्वत? एक काम करो, हाँ ये थोड़ी बहुत लेता है रिश्वत दे दिया करो, समझा करो बात को यार। कहाँ से दे दे? अरे महंगाई बढ़ रही है यार। अरे मुंशी जी सुनो, महंगाई बढ़ गई है, तुम्हारे दो बच्चे होते हैं, मैं 10-20 होते हैं, समझा करो, परिवार बड़ा होता है, कहाँ से आएगा? अरे मुंशी जी हमारे पास खाने को नहीं है, कहाँ से दे दे? तनख्वाह में काम नहीं चल रहा है। अरे हमारे बच्चे ही भूखे मर रहे हैं, कहाँ से? मुंशी कौन लोग हैं ये? ये मंगल बेड़िया से कुछ फरियादी आए। कौन, क्या परेशानी है? नवाब साहब मंगल बेड़िया के जो तहसीलदार हैं, हम लोगों से रिश्वत लेते हैं, और रिश्वत नहीं देते हैं तो हम लोगों को दंडित करते हैं। अच्छा। हम लोग बहुत दुखी हैं, गांव छोड़ करके भागने के लिए तैयार हैं। मियां मुंशी क्या सुन रहा हूँ मैं, मंगल बेड़िया का तहसीलदार हमारी रियायत से रिश्वत खाता है? शर्म नहीं आती इस नामाकुल को? उसके हाथ में हथकड़ी डालो, ले जाओ और सूली पर चढ़ा दो नामाकूट को। रिश्वत देने की जरूरत नहीं है, जाओ जाओ। नवाब साहब की जय हो। एक भाई को मरवा दिया हमारे को, अब उसे बच्चों का पालन कौन करेगा, फांसी हो गई उसको। अरे मैंने बहुत मना किया, मत खा मत खा, खा ले आटे में नमक ज्यादा खा हमारा। हुजूर ऐसा है क्या है जापना, फांसी तो उसको हो गई लेकिन वो होता तो खाली हो गए ना, वहाँ कोई बंदा मुकर्र कर दिया जाए जिसे वहाँ कारोबार को संभाल सके। अरे हाँ हाँ, बहुत लोग भग चुके हैं अब तो। तहसीलदार मुकर्र होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, किसको तहसीलदार मुकर्र किया जाए, वहाँ का कोई नजरों में है तुम्हारी में? जिसको आप हुक्म करेंगे वही है यहाँ। हाँ अपनी उस बिरादरी में पढ़े लिखों की कोई कमी नहीं है। हाँ अब मेरे मोहल्ले में बहुत लौंडे हैं, नसीब खां, पीर खां, लालू खां, कालू खां, इधर खां, ऊपर खां, नीचे खां, खामाई खां, बहुत बहुत बच्चे सब खां ही खां हैं, कोई और भी सब यूनिवर्सिटी से निकले हुए हैं। हाँ पढ़े से, ओ फिर छोड़िए सबको,
हुजूर बोलो। आपकी गुलामी में रहते रहते मुझे बहुत दिन हो गए, बुढ़ापा आ गया, सफेदी आने वाली है। आपकी रहमत की नजर मेरे ऊपर पड़ जाए तो मैं भी तहसीलदार बन सकता हूँ। मैं कुछ आगे बढ़ना चाहता हूँ, आप मुझे वहीं पट पटक पड़े। अरे तुम्हारा वक्त नहीं आया अभी। कब आएगा? कब्र में आएगा? नहीं, यहीं रहोगे तुम तो, हमारे समीप पास ही रहोगे। एक मियां मुंशी, यहाँ पूर्ति नहीं पड़ रही है। सुनो, इन बाबा साहेब को तहसीलदार मुकर्रर कर दिया जाए तो कैसा रहेगा? बाबा? हाँ। ये बाबा जो बैठा है? ये बाबा नहीं, ये तो अंगूठा छाप है, ये दामा जी। ये बाबा? हाँ पूछ। हाँ, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पूछ करके देखो, पूछ करके देखो। हाँ, पढ़े लिखे होंगे तो वो सौदे को संभाल लेंगे। आप पूछ लो क्या कहते हैं। मेरे पढ़े लिखे कम होते हैं, हिंदुओं में वैसे ज्यादा होते हैं। आइए बाबा। ओ अभी मंगल कहो भैया, वो मंगल मीडिया से कुछ किसान लोग आए थे। जी जी, मैं सुन रहा था। वो अपना भाई था मुसलमान जी, वो तहसीलदार था वहाँ पर जी, वो ज्यादा रिश्वत लेता था। मैंने उसे बहुत मना किया, ज्यादा मत लिया कर, आदत खराब है ना। अरे आदत ज्यादा खराब हो जाती है, लेते लेते ज्यादा बढ़ जाती है। मैंने उससे कहा था आठ टाइम नमक खा, हाँ तू भी खा मैं भी खाऊं, लेकिन ज्यादा खा मरा मर गया। एक काम, आप उस होदे को संभाल सकते हैं? हाँ, यदि इच्छा है तो मैं संभाल सकता हूँ। हाँ वाह, योग्यता क्या है? कुछ पढ़े लिखे हैं? बहुत। अच्छा, बहुत बहुत पढ़े, फिर भी कुछ संभाल लूंगा मैं। कुछ शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ। ओ, पहले क्या क्या काम करते थे? मैं एक शिक्षक था। मास्टर थे जी? वाह, अध्यापक जी। वाह 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 वाह, तो नौकरी छूट गई? हाँ। के छोड़ दी? अपने मन से ही छोड़ दी। हाँ, अपने मन से। स्वाध्याय नहीं बन पाता था इसलिए। हाँ, छोड़ दी। सब लोग ऐसा ही कहते हैं। हाँ, पर वो छूट गई होगी, कोई बात जी, नहीं जी। तो मैं बोल दूँ? हाँ बोल सकते। हाँ हाँ, संभाल लेंगे। संभाल लेंगे बाबा साहेब, हम तुम्हें मंगल बेड़िया का तहसीलदार मुकर्रर करते हैं आज से ही। तुम्हें कोई परेशानी हो तो अभी बता दो हमें, बताओ। हाँ, परेशानी पहले बताओ। नवाब साहब, हाँ, मुझे कोई उपतकवी नहीं होगी, क्योंकि कर्म के पुजारी कर्म चाहते हैं, ना हम खुशी चाहते हैं ना गम चाहते हैं, जो तुम चाहते हो वो हम चाहते हैं। कोई परेशानी? बिल्कुल नहीं। हम चाहते हैं, तुम चाहते हो, क्या चाहता है हमें समझ में नहीं आया, पर चाहता होगा जो आपकी इच्छा है वही मेरी इच्छा। आपको चाहते क्या है ये बता दो। चाह लिया आपको? चाहते हैं? हाँ, आपसे चाह लिया ना? नहीं मुझसे नहीं नवाब साहब, मैं तो स्वयं डोल रहा हूँ। हाँ, पैसे की चाहिए। ये चाहते हैं ना, जो आप चाहते हो हम चाहते हैं, वही मैंने बोला था। हाँ हाँ, ये कुछ कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? एक मासिक ऊपर दी जाए मुझे पेश की। कुछ कह रहे हैं? बोलो बोलो नवाब साहब। नहीं, मैं आपसे ही कहूंगा, आप मेरे उधर। नहीं नहीं नहीं, वो मेरी दृष्टि आप पर ही है। नवाब साहब यूं कहेंगे, ये भी इसमें मिलावट कर दिया सर। नहीं मिलेगा तो हत ही वो। नहीं नहीं, नवाब साहब घबराए मुझसे, आप बोलिए। अच्छा कहिए नवाब साहब। हाँ हाँ, मासिक वेतन मुझे पहले चाहिए, एक मास का 1000 मुद्रा अवश्य चाहिए, पेश की बतौर। वो तो मिल जाएंगे, और कोई बात तो नहीं? और कोई? मैं अपने ईमान धर्म से कहता हूँ, नहीं नहीं, आपके उस होदे को बड़ी अच्छी तरह से संभालूंगा। ईमान का नाम मत लो, धर्म का ही नाम लो। ईमान मत बोलो, बोला करो। अच्छा धर्म में झूठ। अच्छा ऐसा है, धर्म में झूठ चल जाता है। अब पेश की मिल जाएगी आपको, लेकिन इसे देने के लिए तो घर जाओगे ना? हाँ देने, क्योंकि एक दिन के लिए जाना आवश्यक है। हाँ। कारण कि वहाँ की कुछ व्यवस्थाएं ऐसी हैं, उन्हें मैं संजो करके फिर आपके पास आऊंगा। हाँ, इसका मतलब है कि ये एक दो दिन बाद पहुँचेंगे वहाँ? आराम से पहुँच रहे, कोई बात नहीं, एक ही दिन चाहिए। नहीं, ये तो हिंदुओं की विशेषता होती है, नौकरी बाद में छुट्टी पहले, वो तो आपको मिलेंगे मिलेंगे। सुनो भैया मुंशी, बाबा साहेब को अभी तजुर्बा नहीं है। तजुर्बा नहीं है, कोई बात नहीं है, तो तुम पहुंच जाओ मंगल बेड़िया इनसे पहले, वो ध्यान रखना इनके। हाँ, इनको भी पहुंचाना, इनके है। नीचे रहना है तुम्हें, इनके नीचे, नीचे नीचे नहीं ऊपर ही रहे वाले। मैं अब मैं नीचे क्या रहूंगा, आप बताइए। नहीं आप दिशा निर्देश, मैं तो आपके नीचे ही रह। 1000 स्वर्ण मुद्राएं ये बाबा साहेब को दे दो पेश की बतौर। ये दो, ये दे दो, ये दो, उठाओ दे दो, दरबार बंद कर दिया। मुंशी वार्ता बहुत बढ़ा देते हैं, लाइए दे देना दरबार बंद। मच्छरदानी। अच्छा नवाब साहब, जैसे साहब को मच्छर खा रहे हैं। अच्छा कहो साहब, लाइए। मैं यही हूँ जी, मैं यही हूँ जी। दृष्टि से दृष्टि मिलाइए। जब आप रास्ते में खड़े थे ना जी, मुझे बड़ा कष्ट हो रहा था। अच्छा कष्ट तो होना ही है आपको। हाँ। मैं आ गया ना, तो ये 1000 है, मैंने खुदा से मेहनत की। अरे खुदा
दामाद जी पे मेहर कर और आपको नौकरी मिल गई तहसीलदार, कितना बड़ा होदा मिल गया। जी जी जी। तो ये 1000 है आदि, आप ले जाइए घर के लिए, आदि मैं ले जाता तो कैसा रहेगा? आप सारा ही ले जाओ ना। नहीं नहीं, सारा तो मुझमें नहीं जिलेगा। क्यों? तो थोड़ा थोड़ा करके आप भी लेना, मैं तो भी। ये तो घूस हो गई, नहीं आगा। ये रिश्वत हो गई। अरे इसके बिना काम नहीं चलता है, समझा करो बात को। मैं नवाब साहब से नहीं, नहीं, उनसे कहने, उनसे पूछ क्या। अरे 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 क्या भैया, ये उनसे उनकी बात नहीं है, हमारी आपकी बात है। अच्छा। आप मेरे ऊपर रहेंगे, मैं नहीं जा रहूंगा, आप ऊपर से डाल देना, मैं लपक लूंगा। नहीं तो, लपकने का कोई काम नहीं, आप तो दीजिए मुझे, मैं ही लपकता हूँ। नहीं पीछे पीछे दे, आप अपना कार्य वहाँ झाड़ू पोछा करो और एक जल भर देना घड़े में है, और मैं आऊंगा अपने समय से। हाँ, समय में कोई फेर बदल नहीं होगा, और मेरे जितने भी कागजात हैं वहाँ रख देना। अभी खालसा पंगत पाता घूम रहा था, अब हमसे कहता झाड़ू लगाना। ये हंदू वास्तव में गिरगिट होते गिरगिट, रंग बदल गया है, ओहदा पाते इस गर्मी आ गई इसको, ये जानता नहीं है मियां मुंशी को। मियां मुंशी क्या चीज़ है, जिस दिन मेरे नीचे आ जाएगा बेटे छोड़ूंगा नहीं, तेरा रंग रंग छोड़ने लायक नहीं छोड़ूंगा, तुझे ऊपर ही पहुँचा दूंगा। चलता हूँ, अब झाड़ू तो लगानी पड़ेगी, इसके नीचे हूँ, पानी भर के रखना है, पानी पिला दूंगा किसी दिन आ जाएगा तो उसी घड़े का पिलाऊंगा, हाँ जो आज भर के रखूंगा। किस देवता ने आज मेरा दिल चुरा लिया, किस देवता ने ब्राह्मणी ब्राह्मणी मेरा दिल चुरा लिया। स्वामी प्रभु सौभाग्यवती, ये लो। स्वामी आपको कहीं नौकरी मिली कि नहीं मिली? देखो ठाकुर जी कितने दयालु हैं ब्राह्मणी। हाँ। आपने संकल्प करके ही भेजा क्या हमको, हम तो जान ही नहीं पा रहे हैं। और देखो ठाकुर जी विठल नाथ ने कृपा की, यहाँ के नवाब साहब ने मुझको अपने यहाँ चाकरी दे दी, आपको नौकरी मिल गई, और 1000 मुद्रा भी लेके आया पेश की। बतो जय हो विठल भगवान, आपकी बड़ी कृपा है, कल से जाऊंगा। लो स्वामी, स्वामी जब आप नौकरी देखने के लिए जा रहे थे जी, तो मैंने विठल भगवान के चरणों में एक प्रार्थना की थी, क्या कि यदि आपको कहीं नौकरी मिल गई तो मैं साधु संतों को भोजन कराऊंगी। तो हरे 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 ब्राह्मणी, ये तूने कैसा संकल्प किया, ब्राह्मण को भोजन कराना ये तो ठीक ही है, परंतु इसके लिए ठाकुर को कष्ट में और बंधन में बांध दिया। यदि ऐसा होगा ठाकुर से तो उसकी कृपा मांगनी चाहिए, उसके दर्शन की भीख मांगनी चाहिए ब्राह्मणी, परंतु तू भी दुखिया थी, तूने मांग लिया तो क्या कर लिया। चलो परंतु वो तो भक्त वांछा कल्प तरे हैं, एक पलक में सब जग भर दे सांवरिया गिरधारी, तूने अपने हृदय में ऐसा कष्ट कैसे मान लिया, वो तो एक पलक में देने वाले हैं। परंतु ठीक है, तेरा संकल्प अवश्य में सिद्ध हुआ तो मैं जा रहा हूँ, ब्राह्मणों को निमंत्रित करके आता हूँ, और तू यहाँ प्रसाद की तैयारी करते हूँ। रहता निमंत्रण स्वीकार करें, निमंत्रण प्रणाम, भूमि देव प्रणाम। किस देवता ने आज मेरा दिल चुरा लिया। सभी ब्राह्मणों को जो गांव में श्रेष्ठ ब्राह्मण थे सबको निमंत्रण दिया, श्रद्धा से भाव से चरण धो रही हैं, सबका स्वागत कर रही हैं। आज मेरे भाग्य जागे विप्र आई पावणा, आज मेरे भाग्य जागे विप्र आए पावना, विप्र आए पावना ब्राह्मण आए पावना, विप्र आए पावना विप्र आए पावना, आज मेरे भाग्य जागे ब्राह्मण आए पावना, आज मेरे भाग्य। पत्तले परोसी जा रही थी तभी आचार्य प्रभु पधारे,
दामा इधर आओ, ये सब क्या हो रहा है? आचार्य भर प्रणाम। हो दिया प्रणाम। पहले बताओ ये सब क्या हो रहा है? ये ब्रह्म भोज हो रहा है। अरे वाह दामा, कल तक तो तुम्हारे पास खाने तक को नहीं था, लेकिन आज इतने ब्राह्मणों को एक साथ भोजन करा रहे हो। ये धन आपके पास कहां से आया? चोरी की है या डांका डाला है? कहां से आया? ऐसा भाव कैसे आ सकता है प्रभु आपके हृदय में? मैं चोरी करने वाला ब्राह्मण तो नहीं, मैं तो ये विठल नाथ की कृपा है। संकल्प मात्र से मुझे नवाब साहब मेदिनीपुर के यहाँ 1000 मुद्रकाएं स्वर्ण मिली और वहां मैं कार्यरत हुआ हूं। अब मैं उसी के फल स्वरूप यहां ब्रह्म भोज करा रहा हूं। ओ दामा, एक यवन के यहां चाकरी करके वहां से धन ला करके इन ब्राह्मण लोगों का धर्म भ्रष्ट कर रहा है। यवन के यहां चाकरी करने से तुमको धन प्राप्त हुआ है, इन ब्राह्मणों का मन बुद्धि सब नष्ट कर रहा है। चलो कोई भी भोजन नहीं करेगा। महाराज ऐसा मत करो महाराज, ये विठल नाथ का भोग लग गया है प्रभु। अरे तू जानता नहीं है, शरण है, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, अरे जैसा पियोगे पानी वैसी हो जाएगी वाणी। चलो महाराज आप तो रुक जाओ, अरे महाराज आप तो रुक जाओ, सभी चले गए। हे ब्राह्मणी, ये तो बड़े हमारा मनोरथ सिद्ध होने वाला था, फलित तो होने वाला था, आज ये कैसा हो गया? ब्रह्मा रुष्ट होके चले गए, ये विठल नाथ की कैसी कृपा बरसी। ठीक है अब हम भी कुछ नहीं लेंगे, उपवास ही करेंगे, तुलसी दल और जल लेकर के रह जाएंगे और ऐसे गऊ के मुखारबिंद में दे दो इस प्रसादी को। ठीक है, क्यों प्रसाद व्यर्थ ना जावे, गौन देव तो मन सुख पावे। भगवान तीन जगह से ही भक्के करते हैं, भोजन करते हैं, ब्राह्मण के मुख से, अग्नि के मुख से और गाय के मुख से, इसलिए गायों को ही खिला देना श्रेयस्कर है। हम चलते हैं अपने कार्य की ओर। करके दयाल ने पर्दा हटा दिया, रहता था मेरे पास लेकिन छुपा दिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। भक्त का अनादर हुआ, भक्त के प्रसाद का अनादर हुआ, भगवान रुष्ट हो गए। आहा देखो ब्राह्मण देवन ने मेरे प्रसाद को अनादर करो है। यासो में साप दऊं हूं कि या गाम में अकाल पड़ जाए। ओहो, भगवान ने रुष्ट होकर साप दे दिया। उसका प्रभाव हुआ कि जल बरसना बंद हो गया उस गांव में। जल के बिना अन्न कैसे पैदा हो, पशुओं के लिए तृण कैसे पैदा हो, भैया मरने लगे सभी। हमने दामा जी के यहाँ प्रसाद को अनादर कियो, तभी सो हमारे गांव में अकाल पड़ गयो है। अब हम कह कर हैं बालक भूखे हैं। हाँ भैया, अब दामा जी के समीप चलें, उनसे अपराध की क्षमा मांगेंगे और वह तहसीलदार हैं, हमारी सहायता करेंगे। ठीक है भैया, चलो। दामा जी की जय हो। दामा जी, मियाँ मुंशी जी, क्या बात है? आप क्यों शोरगुल क्यों मचा रहे हो भाई? क्या बात है भाई? मुंशी जी हाँ बोलो। हमारे गांव में अकाल पड़ रहा है। बहुत अच्छी बात है, बच्चे भूखे मर रहे हैं। अच्छी बुरी बात है, पशुओं के लिए चारा नहीं है। अच्छा अच्छा, आप हमारी सहायता करें, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं। अरे मैं क्या सहायता करूँगा, मैं गुलाम बना हुआ हूँ। आप चाहते क्या, मुझसे चाहते हो कि और किसी से चाहते? दामा जी से चाहते हैं। दामा जी क्या चाहते हो, इसे आराम फरमा रहे, कल लाना। आप जाकर के कह दो गांव के ब्राह्मण लोग आए हुए। तुम ब्राह्मण लोग हो? हाँ। दामा जी के गांव के ब्राह्मण लोग हो? ब्राह्मण लोग हैं। अकाल पड़ गया है? अकाल पड़ रहा है। चलो अच्छी बात है, पर बुरी बात है। हाँ अभी आराम फरमा रहे, समय होगा जब बता दूंगा। उधर खड़े हो जाओ गेट पे जाकर के। चलो
मुंशी जी ये भीड़ मत करो यार, मेरा भेजा हमारी सहायता हो जाएगी, आपके हाथ जोड़ते हैं दामाजी से जाकर। मेरा भेजा मत खाओ यार, क्यों ये वार्तालाप सुन करके तहसील उधर चलो गेट पे चलो, दामाजी रुक नहीं सके, गेट पे चलो दामाजी दरवाजे पर आ गए। ए दूध लेके आओ, दूध लेके आओ, ब्राह्मण लोगों को दूध पिलाओ। महाराज प्रणाम, ये तो आप मुझे ऐसा लग रहा हमारे गांव से ही हैं। हाँ दामा जी, आपकी ये ऐसी अवस्था कैसे हो रही है? जब से प्रसाद का अनादर किया है तभी से अकाल पड़ गया है, बच्चे भूखे तड़प रहे हैं, पशुओं के लिए चारा नहीं है। तो इस स्थिति में मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? आप यहाँ के तहसीलदार हैं, आप हमारी सहायता करें, हमें अनाज दे दें, हमारे बच्चों का पेट भर जाएगा। हे विठलनाथ, ये कैसी दुविधा में मुझे डाल दिया, परंतु आप सद्बुद्धि प्रेरित करें मुझे, थोड़ा अब मैं विचार कर लेता हूँ। दो गंगा जमुना नाम के गोदाम हमारे यहाँ खूब अन्न भंडारण भरा पड़ा है, इस मियाँ मुंशी से थोड़ी वार्ता करके देखता हूँ। मुंशी जी हुक्म फरमाइए हुजूर, एक बहुत गुप्त मंत्रणा आपसे करनी है। गुप्त को करनी है? हाँ गुप्त। करी। तो उस या मैं जानू या आप जाने, तीसरा कौन जाने? कैसी बातें आप कह रहे, क्या फरमा रहे? ये बात हमारे दोनों के बीच में, इन गरीब ब्राह्मणों का सेवा का लाभ भी मिलेगा हमें। ब्राह्मण तो गरीब ही होता है। हाँ नहीं, ब्राह्मण तो गरीब नहीं होता है, परंतु आप ऐसा है कि अब आज की स्थिति को देखते हुए ये गरीब है, गरीब तो उस पर थोड़ा अमल किया जाए। हाँ बिल्कुल करूँगा। वो गंगा जमुना नाम के जो हमारे यहाँ गोदाम हैं उनमें अन्न भंडारण खूब भरा पड़ा है, तो क्यों ना इनको दुखी समझ के आज दे दिया जाए, और इनकी फसल आएगी तो सवाया उनसे ले लिया जाएगा। आपने मेरी मुंह की बात ले ली। अच्छा ये मैं चाह रहा था, इतने तहसीलदार आए किसी की नजर नहीं पड़ी गंगा जमुना नाम के दोनों जखीरों पर, अनाज सड़ रहा है, कल तूफान आया तो मैं पानी चला गया, अनाज सड़ रहा है, कोई खाने वाला नहीं है, अब बताइए इन गरीबों को दे दो, किसके मुंह लग जाए, अच्छी बात है। इसमें थोड़ी दुविधा है। हाँ बोलिए। या नवाब साहब से हम पूछ नहीं सकते अभी? अरे आप, क्योंकि समय नहीं है ना ज्यादा। हुजूर आप क्या फरमा रहे हैं, आप यहाँ के नवाब हैं, वो वहाँ का नवाब है, आप तहसीलदार हैं, आप अपने स्वरूप को पहचानो, आप हैं कौन, आप तहसीलदार हैं। हाँ आप कोई मियां मुंशी नहीं है? पीछे उनसे वार्तालाप कर लेंगे हम। अरे मान जाएंगे वो, लेकिन ये बात इधर से उधर ना हो। कैसी बातें कर रहे हैं आप, मैं दे दूं तो? दे दीजिए। देखो और मुझे हुक्म दीजिए, मैं देता हूँ। हाँ, आपके हाथ से तो ये शुभ कर्म कराऊंगा ही कराऊंगा। मैं चाहता भी मेरे को शुभ कर्म किया भी नहीं है, इसमें तुम्हारी गति हो जाएगी। आज ही कर दूंगा मैं सबका फैसला, इनसे आप ले लीजिए जितना आपको आवश्यक है। आपने बड़ी कृपा की, मैं जा रहा हूँ, बहुत कृपा। हाँ आप आराम फरमाइए, मैं इनको देख लेता हूँ। मुंशी जी एक एक करके आ जाओ भाई सभी। हाँ हम आ गए सबसे पहले। कागज हैं जमीन के? कागज के पैसे घूम रहे हो? अरे पैसे कैसे घूम रहे हो, कैसे ब्राह्मण हो, किसान हो या पैसे भीख मांगने वाले हो? सब है, क्या चाहिए आपको? किसान लोग हैं, किसान ब्राह्मण लोग, ज्यादा बात मुझसे फालतू बात मत करो। दादाजी को बोला मैं। अरे सुनो तो, क्या क्या फरमा रहे हैं आप? आप ले जाइए, अनाज भरा पड़ा है बोरियों पे बोरी, केवल चार बोरी दे दीजिए। वो करीम लौंडा वहाँ है, ले जा जितनी जितनी जितको चाहिए, चार दो चार पाँच दस चार। हाँ हाँ बोलो, हाँ बोलो 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 ने मार की। हाँ बोलो, मुझे को तीन बोरी। हाँ तीन ले जा, अपने बाप को ले जा, कई भाई हो तुम। हाँ बोलो, पांच बोरी। पांच बोरी हाँ। चल ले जाओ, ज्यादा संतान पैदा मत किया करो। हाँ, नौ बोरी। नौ है? नौ नौ बोरी। हाँ ले जा नौ बोरी, खा जाएगा खा जाएगा। नौ बोरी, शरीर सूख रहा है, नौ बोरी खा के मरेगा। हिंदुओं का भेजा वास्तव ही खराब होता है, कितना भी दे दो उनको, कितना भी दे दो, ये भूखे भूखे ही रहते हैं। अरे मियां मुंशी वाह, तुझे तेरा खुदा मेहरबान हो रहा है। अरे वाह, और मुझे पता भी नहीं चला। इधर तो अपने गांव के किसान लोगों को इसने अनाज दे दिया, अब मैं चलता हूँ मेदिनीपुर, वहाँ जा कर के शाही दरबार में जाके नवाब साहब से इस दामा की चुगली करूँगा, दो चार बात बढ़ा के बोलूँगा, दो चार बात घटा के बोलूँगा। नवाब तो नवाब होते हैं, बस गर्म हो जाएंगे, इसको फांसी का हुक्म हो जाएगा, ये मर जाएगा, इसके मरने के बाद तहसीलदार कौन बनेगा? मियां मुंशी। अरे वाह, इतना बड़ा होता मेरे लिए। चलो चलो अब चलो, देर नहीं। चलो।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहो मियां मुंशी, खैरियत तो है? क्या खैरियत है हुजूर, हाल बेहाल है। जब से आपने दामाजी को मंगल बेड़िया का तहसीलदार बनाया है, वहाँ की जनता, वहाँ के जितने भी नौकर लोग हैं, सब बेकार हो रहे हैं। उसके दिल में आता है वही कर देता है, जो ना आपका हुक्म लेता है ना हमसे कुछ पूछता है। उसके गांव के कुछ ब्राह्मण लोग आ गए, फिर वो बोले हम किसान लोग हैं। हमने कहा क्या चाहते हो? दामाजी से मिला दो। हमने मिला दिया और दामाजी ने अपने गांव के किसान लोगों को वो गंगा जमुना नाम के दोनों जखीरे जो भरे पड़े थे अनाज से, वो किसान कह रहे कि हमारे गांव में अकाल पड़ गया, बरसा नहीं हुई, अनाज पैदा नहीं हुआ, बीवी बच्चे भूखे मर रहे हैं, हमारे पशु भूखे मर रहे हैं, हाँ अब हमको अनाज दे दो। बस उन्होंने कहा और दामाजी ने वो गंगा जमुना नाम के दोनों जखीरों का दरवाजा खोल दिया और बोरियों पे बोरी, बोरियों पे बोरी, बोरियों पे बोरी, दोनों गोदाम खाली हो गए हुजूर। यानी उनके गांव में अकाल पड़ गया, हाँ, वर्षा नहीं हुई, जी जी जी, और दामाजी ने गंगा जमुना नाम के जखीरे, हाँ, लुटा दिए, उनको दे दिए, दे दिए, दोनों गोदाम खाली है हुजूर। बहुत खूब, बहुत खूब, दामाजी ने बड़ा नेक काम किया है। हमारे ये गोदाम थे, हमारी रियाया के लिए थे कि अगर कोई संकट आता है तो अनाज रियाया को बांट दिया जाए। बहुत खुश हैं हम दामाजी से, 200 स्वर्ण मुद्राएं दामाजी को बख्शीश देते हैं हम। ये तो बख्शीश दे रहा है, मैं तो आपको कुछ सोच करके आए थे। हाँ हुजूरी, ये तो नेक काम किया है दामाजी ने, भूखे को भोजन देना अच्छी बात है, नेक काम है। लेकिन जिस समय वो अनाज दे रहे थे, मैंने कहा दामाजी से, जय हो, एक सेकंड बैठे रहना, एक सेकंड के लिए लाइट जाएगी, तो बैठे रहे, ये ना समझे लाइट चली गई, एक सेकंड के लिए। मैंने कहा दामाजी से, दामाजी ये आप अनाज जो दे रहे हैं ना, हमारे जो नवाब साहब हैं वो मेदिनीपुर में शाही दरबार में बैठे हुए हैं, उनका थोड़ा हुक्म ले लेते, बस मैंने इतना ही कहा था। बस इस बात को देखो बड़े गर्म हो गए, समय बुरा आ रहा है, थोड़ा सा रुको। हाँ मैंने कहा दामाजी से थोड़ा हुक्म ले लो, जो मेदिनीपुर शाही दरबार में बैठे हुए हैं, इतना कहा बस। दामाजी बोले अबे चुप रे मियां मुंशी, क्या बकवास करता है, किसका नाम ले रहा है, मैं किससे हुक्म लूंगा, मंगल बेड़िया का मैं नवाब हूं, वो मेदिनीपुर का नवाब है, मैं यहां का नवाब हूं, जो मेरे दिल में आएगा मैं वही करूंगा, किसी से तू किसी को लू, उस नवाब से मैं क्यों हुक्म लेने लगा, क्या वो नवाब है क्या? क्या वो मेरे सामने है क्या, वो क्या है मेरे सामने, वो किस जंगल की चिड़िया है, किस खेत की मूली है? किस जंगल की चिड़िया है हम, किस खेत की मूली है? मैंने एक जर्रे को चरखे को हम पर पहुंचा दिया और आज मेरी शान में मैं कौन हूं अभी बताता हूं, अभी जाओ इसी बात, हाथों में हक्करी, पैरों में बेड़ियां, सरे बाजार घसीटते हुए ले जाओ और सूढ़ी पर चढ़ा दो नामाकुल को, हम बताएंगे हम क्या है, जाओ क्यों खड़े हो, जल्दी स्टेज की पूरी लाइट जला दे, साइड की लाइट बंद हो गई। बन गया काम मियां मुंशी, अब तो तहसीलदार बनेगा, अब तो तरक्की हो गई, मजा आ गया, अब चलता हूँ दामाजी के पास। साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, श्वास रुक जाएगी चलते चलते, सम बुझ जाएगी चलते चलते, दम निकल जाएगा
क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है, क्या भरोसा है मियां। ये मनहूस शक्ल क्यों बना रखी आप? दादाजी क्या हो गया? क्यों? अरे दादाजी कह रहे खुदा, तू नेक इंसानों को इतनी जल्दी क्यों ले लेता है? कौन मर गया? मरा नहीं, मरने वाला है, सांसें अटक रही है उसकी। कौन है वो? अरे खुदा तू मुझे ले ले, नेक इंसानों को इतनी जल्दी मत ले, नेक इंसान वैसे ही नहीं रहे, एक आध है तो वो भी जा रहा है। दादाजी आपको फांसी की सजा हो गई। मैं तो पहले ही सोचे बैठा था ये जरूर कुछ न कुछ। दादाजी ये क्या हो गया? ये कैसे हो गया? खुदा जाने, आपके ऊपर कह डा दिया खुदा रे। क्या? मुझे सुबह सुबह बुलाया नवाब साहब ने शाही दरबार में जी। मैं पहुंचा, मुझसे बोले नवाब अबे ओए मियां मुंशी लंगड़े गद्दार, वो मंगल बेड़िया में क्या हो रहा है, वो सारी सूचना तूने मुझे क्यों नहीं दी? मैंने क्या हो गया हुजूर? अबे मेरे बिना हुक्म के दोनों जखीरे खाली हो गए, किसने कहा था किसानों को अनाज देने के लिए? बस किस कमबख्त ने, किस नामा कूल ने, उसके कीड़े पड़ेंगे इतने बड़े बड़े, किसने चुगली खाली? ओ खुदा तू उसको छोड़ना नहीं, छोड़ना नहीं, उसको उठा लेना जल्दी से, कब्र में पहुंचा देना उसको। लेकिन मियां जगह है नहीं क्या? ये वार्ता तो हमारे आपके बीच में ही थी। यही तो मैं कह रहा हूँ। अब ये तीसरा कौन आ गया जो वहाँ जाके कही ये बात? हुजूर, हुजूर ऐसी बातों को सुनने के लिए दीवारों के कान हो जाते हैं, किसी ने सुन लिया और वहाँ जाकर के चुगली खाली, अब मेरी तरफ देख रहे? नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं हूँ, दोनों छोरों की कसम मैं कभी ऐसा कर सकता हूँ, आप तो नेक इंसान है, मैं किसी के साथ करता ही नहीं हूँ, वो भी अच्छा ही करता हूँ। मियां वहाँ तो कोई दीवार भी नहीं थी। हाँ दीवार तो थी नहीं, जमीन तो थी जिस पर हम खड़े थे। ये तो कहीं तुम्हारा ही तो कोई ये नहीं बात। अब आप मुझसे पे शक करेंगे बताइए? पच नहीं रही बात, मैं आपका गुलाम हूँ। पर चल जो हुआ सो विट्ठल नाथ की जैसी अच्छा हुआ, अच्छा हुआ। हाँ जो हुआ जो करते हैं ठाकुर विट्ठल नाथ अच्छा ही करते हैं। हमारा जो कार्य है हम करेंगे, आपका कार्य है आप करेंगे। आप मुझे लीजिए इसमें बंदी। हम रहे मैं मजबूर हूँ, ये दुनिया रहेगी दास्ता अपनी सबसे कहेगी, नाम रह जाएगा, नाम रह जाएगा आदमी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। दामा मियां आ गया ना, जहां पर खड़ा था वहीं आ गया। मैं तो वहीं था। मैं अरे वहाँ नहीं था, मैं वहीं था। मैंने तुझे पहुंचाया यहाँ जमीन पर, तू आकाश में चला गया था, भूल गया अपने आप को, बीच रास्ते से तुझे उठा करके लाया और तुझे तहसीलदार बनाया मियां मुंशी ने। आज तू फांसी के तख्ते की तरफ जा रहा है, अब तेरे भी बच्चे अनाथ हो गए, तेरे मरने के बाद मियां मुंशी तहसीलदार बनेगा, खुदा भी नहीं रोक सकता। तेरा खुदा क्या है? वो खुदा जिसका तू कीर्तन करता है, बुला ले इसको और तुझे बचा ले। हाँ चल मियां। अरे हमने तो ये पहले ही कह रखा था, हरि स्मरण सर्व विपत्ति विमोक्षणम, हम पे कभी विपत्ति भी आएगी तो श्री हरि श्री विट्ठल भगवान उसका निर्वाहन अपने आप करेंगे। ठीक है ठीक है चल, हमारी कोई इसमें उपलब्धि नहीं है, ये तो वही ये जो लीला हो रही है ये उनकी है। मेरी बात मान जाता हाँ तू भी ठीक रहता, मैं भी ठीक रहता, कुछ तू लेता कुछ मुझे देता, तेरे बच्चों का भी अच्छा काम चलता,
और मेरा भी काम चलता, लेकिन मेरी बात तूने मानी नहीं, समझ रहे हो? इसके बिना कोई काम नहीं चलता है। हाँ आओ चलो। हाँ तू मुझे रोक लेना, तेरे मरने के बाद करूंगा खूब। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही। चलो ले चलो। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तक है जिंदगी। मांगा है श्याम से वरदान एक ही। भैया मैया जरा मुझे यहाँ विठ्ठल भगवान का दीदार करने दो, यहाँ मेरे विठ्ठल भगवान का मंदिर है, मैं थोड़ा उनसे प्रार्थना अनुनय विनय करूं, क्योंकि मेरा अंतिम पड़ाव है इस जीवन का, और मैं चाह रहा हूं कि तेरी कृपा मेरे ऊपर बन जाए और बंधन से मुक्त कर दे, तो मैं जाना चाहता हूं। देखो तुम नेक इंसान हो और तुम लोगों का मंदिर आ गया है, ठीक है, ये रस्सी बहुत बड़ी है, थोड़ा छोड़ देता हूँ और अंदर जा करके दीदार करके आ जाओ। चलो। नहीं मियाँ, जल्दी जाओ, मेरे ऊपर रहम करो, वहाँ मेरे नाथ के दरवाजे पर बंधन मुक्त होके ही जाता है, बंधन को खोलो और मैं तब दर्शन करके आऊंगा, मेरा विश्वास करो, मैं अवश्य तेरे पास लौट के आऊंगा। मैं भी आपके साथ चलूंगा मंदिर के अंदर। नहीं आप लोग नहीं जा सकते। क्यों, मुझे क्या खराबी है? नहीं खराबी हो या ना हो लेकिन जा नहीं सकते आप। क्यों नहीं जा सकते? हम क्यों नहीं जा सकते? तुम लोग हमारी मस्जिद में नहीं जाते हो ना? मैं तो जा सकता हूँ। तो फिर हम क्यों नहीं जा सकते? भावना का विषय है ये, आपकी भावना थोड़ी सी कलुषित है। जल्दी आना, कलुषित कलुषित मरने को जा रहा है। जिस पर प्रभु का हाथ हो वो पार हो गया, जो भी शरण में आया उद्धार हो गया, जिसका भरोसा श्याम पर डूबा कभी नहीं। ए मेरे विठ्ठल नाथ, मेरा क्या कसूर था, मेरी समझ में नहीं आ रहा है, मैंने तो आपके बंदों की सेवा की, आपके बताए हुए मार्ग पर ही चला, लेकिन मैं तो इसमें भी कृपा मान रहा हूं, आपने मुझे ये कष्ट इतना बड़ा दुर्भिक्ष मेरे लिए दिया, उन ब्राह्मणों का दुर्भिक्ष मैंने झेला, मैंने दूर नहीं किया, आपकी भावना थी, मैं आपकी भावना के अतिरिक्त और कोई कार्य करता ही नहीं, मोहि तो ही नाते अनेक मानिए जो भावे, जो त्यो तुलसी कृपाल चरण शरण आवे। हे मेरे प्रभु, लेकिन मेरी भावना तो यही है, मैं जहां भी रहूं केवल आपके दर्शन करता रहूं, क्योंकि इतना तो करना स्वामी मेरे प्राण दिल से निकले, श्री गोविंद नाम ले के मेरे प्राण दिल से निकले, तेरी वो सुंदर छवि हो प्रभु पीतांबरी कसी हो, छवि मन में ये बसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो, मेरे
प्राण से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट है, यमुना का बैसी बट हो, मेरा सामुरा निकट हो, मेरे प्राण तल से निकले। गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले। आना अवश्य आना, नहीं श्याम भूल जाना। हम केवल एक की भक्ति नहीं करते माधव, मैं ऐसे ही देखत रहूं अपनो जन्म सफल कर पानो। मेरे नेत्रों के सामने आप जुगल जोड़ी सरकार बने रहे। आना अवश्य आना, नहीं श्याम भूल जाना। श्री राधा को संग लाना, मेरे प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। अब इसमें मेरी ही इच्छा नहीं है, मैं तो अर्जी ही लगाने आया हूँ। ये भक्त की है अर्जी, खुद गर्ज की है गर्जी। आगे तुम्हारी मर्जी, मेरे प्राण तल से निकले। गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले। हे प्रभु, मेरी इस अर्जी को चरणों में रख करके भक्तवांछा कल्पतरु भगवान, मुझे मरने का किंचित मात्र भी कष्ट नहीं है, परंतु आपकी विस्मृति न बने, बस मैं यही चाहता हूँ। प्रणाम। सुनी भक्त की आरत वाणी, भक्त वसलता ही। लेकिन आप नेक इंसान है। हाँ, आइए आइए, फांसी का समय हो रहा है। हाँ, सुनी भक्त की आरत वाणी, भक्त वसल। दामा जी ने जो दो गोदाम लुटाए हती, मैं उनकी सवाई कीमत अदा करके आऊं। प्रेमियों ने जो बनाया बन गए, प्रेम के बंधन में मोहन बन गए। प्रेम के बंधन में मोहन बन गए। का रूप धारण कर लिया प्रभु ने। प्रेमियों ने जो बनाया बन गए, प्रेम के बंधन में मोहन बन गए। अरे यहाँ कोई है क्या, यहाँ कोई है क्या? कहिए क्या बात है? नवाब साहब से मिलना है। नवाब साहब से क्या काम है? दामा जी ने दो गोदाम लुटाए थे, उनकी सवाई कीमत अदा करने के लिए आया हूँ। ठीक है, मैं अभी जाके बोलता हूँ। मैं दामा जी का बेगारी हूँ। अच्छा, अभी जाके बोलता हूँ। नवाब साहब, नवाब साहब की जय हो। क्या बात है,
नवाब साहब, दामाजी का बेगारी आया है। जो दामाजी ने गंगा यमुना नाम के दो गोदाम लुटाए थे, उनकी कीमत चुकाने के लिए आया है। अंदर ले जाओ, भरपाई कर दो। ठीक है ना बेगारी? नवाब साहब, क्या हुआ? वो दामाजी का बेगारी तो बड़ा ही चमत्कारी है। क्या हुआ? उसके हाथों में एक झोली है, उसको वह सीधी करता है तो भर जाती है, उल्टी करता है तो खाली हो जाती है। ऐसे ही करके सारे गोदामों को भर दिया है, गोदाम से अनाज फैल रहा है। बड़ा ही चमत्कारी है। इतना करामाती? हाँ, बड़ा ही चमत्कारी है। उसको हमारे रूबरू पेश करो। बेगारी, बेगारी, नवाब साहब बुला रहे। माई बाप, जोहार है जोहार। अरे वाह, गजब गजब का नूर है इसका, गजब का नूर है इसका। हुस्न खिलती है दीवाली, अजब है चांद सा मुखड़ा, घटा छाई है लटकाली। या खुदा, या खुदा, इस खूबसूरती का बयां नहीं। अरे जुबा को आंख नहीं और आंख को जुबा नहीं। क्या नूर दिया है, जी चाहता है जी भर के दीदार करता रहूं, अपनी नजरें नहीं हटाऊं। माई बाप, हाँ, माल की रसीद दीजिए। माल की रसीद? कलम किधर गया? अरे कलम। माई बाप, आपकी की कलम। कलम? मेरी कलम भी तुमसे मोहब्बत करने लग गई। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम बिट्टू है। बिट्टू, बड़ा प्यारा नाम है बिट्टू। जरा इधर आओगे? अरे वाह बिट्टू, बिट्टू तेरे लबों के मुकाबिल, बिट्टू तेरे लबों के मुकाबिल गुलाब क्या होगा? अरे तू तो लाजवाब है, तेरा जवाब क्या होगा? बिट्टू जरा इधर आओगे? बिट्टू ऐसे ही खड़े रहो बिट्टू, मैं दीदार करता रहूं। माई बाप, हाँ, माल की रसीद दीजिए। माल की रसीद ये लो बिट्टू। बिट्टू तेरे हुस्न ने, बिट्टू तेरे हुस्न ने हमें पागल बनाया है। अरे तुझे देखा तो लगता है जमीन पर चांद आया है। अरे वो चांद, अरे वो चांद, हमने भी एक चांद देखा है। तुझ में तो दाग है लेकिन मैंने बेदाग देखा है। वाह बिट्टू, जरा इधर आओगे बिट्टू? वाह बिट्टू, बिट्टू तेरी जुल्फें, बिट्टू तेरी जुल्फें बनी जंजीर के टुकड़े। अरे यही तो हैं हमारे इश्क के तहजीर के टुकड़े। शौक से मेरा दिल चीर के देखो। अरे मेरी रग रग से निकलेंगे तेरी तस्वीर के टुकड़े। बिट्टू इधर आओगे जरा? एक बात कहूं बिट्टू? कहो माई बाप। तुम मेरे पास रह जाओगे? नहीं नहीं, मैं दामाजी के झूठे टुकड़े खा खा के इतने से इतना बड़ा हुआ हूँ, और आप कह रहे हो कि मैं आपके पास रह जाऊँ। मैं आपके समीप नहीं रह सकता। क्या कहा? तुम दामाजी के टुकड़े खाकर इतने बड़े हुए हो? जी नहीं बिट्टू, नहीं, मैं नहीं मान सकता। तुम किसी के टुकड़े खाने वाले नहीं हो बिट्टू, तुम तो सारे जहां को टुकड़े खिलाने वाले हो, टुकड़े खिलाने वाले। बिट्टू ये मत सोचना कि मैं तुम्हें अपने यहाँ टुकड़ों पर रखूंगा। अरे मैं तुम्हें अपने तख्त व ताज का मालिक बना दूंगा बिट्टू। माई बाप, मैं दामाजी के एक झूठे टुकड़े पर
आपके इस तज्जे ताज को ठोकर मारता हूँ। हमारी भी सुनते जाओ, इतनी गिरावट की जिंदगी हम जिया नहीं करते, इतनी गिरावट की जिंदगी जिया नहीं करते। अरे एहसान किसी गैर का लिया नहीं करते, ये तो इत्तफाक है जो तुमसे दिल लगाया है, वरना इतना कीमती दिल किसी को दिया नहीं करते। एक बात और है बिट्टू, समा की हरकतों पर ख्याल कब करते हैं परवाने, अरे फिदा होकर के जान कुर्बान कर देते हैं दीवाने। हथेली पर सर रख कर जो नमाजे इश्क पहना है, कयामत जैब है उनकी मुसीबत उनका कहना है। मोहब्बत का वो ताकत है जो पत्थर भी पिघल जाए, अरे आशिक खुद मासूक बनकर चलकर सर के बल आए। एक बात कहूं बिट्टू, मान जाओगे? कहो माई बाप। अगर दामाजी कह दें तो तुम मेरे यहाँ रह सकते हो? हाँ, तब मैं आपके समीप रह सकता हूँ। तो फिर चिंता नहीं है, दामाजी मना नहीं करेंगे। वो बोल कह दे मैं दामाजी के लिए खत लिखता हूँ। ठीक है, मेरा खत जी अभी लिखता हूँ। कहाँ गया? लाओ भाई बाप, आपकी कलम फिर पहुँच गया। अरे वाह, दामाजी मुझे माफ़ करना, तुमने जो गंगा जमुना नाम के जखीरे लुटाए थे उसकी सवाई कीमत तुम्हारे बेगारी ने आकर के अदा कर दी है। अब इस बेगारी को तुम मेरे पास भेज दो, तुम्हारा नवाब मेदिनीपुर इसे लेकर जाओगे ना? हा मिट्ठू इनकार नहीं करेंगे रामा जी, कह देंगे जाओ जाओ बिट्टू, नवाब साहब के पास चले जाओ। ये लो बिट्टू, ये खत ले जाओ और जाओ दे दो दामाजी। कहाँ गया बिट्टू? चला गया? नहीं बिट्टू, छोड़कर नहीं जा सकता मैं, बिट्टू के बिना नहीं रह सकता बिट्टू, मेरा बिट्टू कहाँ गया? कहाँ गया तेरा बिट्टू मुझे छोड़कर? अरे तड़पते हैं मचलते हैं मेरे अरमान सीने में, तड़पते हैं मचलते हैं मेरे अरमान सीने में। रवा जब देखता हूँ काफिला हंस के महीने में, मोहम्मद की जुदाई आग तड़पाती है मेरे सीने में, परवाना यहाँ तड़पे और जले शम्मा मदीने में। आपका नाम लिया सुबह और शाम लिया, पड़ गया सोच तो फिर कलम को थाम लिया। मैं गुलाम इब्ने गुलाम, आप नबियों के इमाम, मेरी रुकदात सुनो मेरी फरियाद सुनो। कोई इंसान किसी इंसान को क्या देता है? आदमी सिर्फ बहाना है, खुदा देता है। खुदा जब देता है देने को ढेर देता है, और जब लेता है तो चमड़ी उधेर लेता है। बिट्टू कहाँ है मेरा? ए श्याम तेरी मुरली की कसम, हम तुमसे मोहब्बत कर बैठे। ऐश्याम तेरी मुरली की कसम, ऐश्याम तेरी मुरली की कसम, हम तुमसे मोहब्बत कर बैठे। ऐश्याम तेरी मुरली की कसम, हम तुमसे मोहब्बत कर बैठे। बिट्टू मैं भी ऐद करता हूँ, आज जब तक तेरा दीदार नहीं होगा तब तक खाना तो क्या पानी का एक कतरा तक मुख में नहीं ले जाऊंगा। बिट्टू हमने भी तेरे दर पर लगाया है डेरा, अरे हम भी चाहते हैं जरा प्यार तेरा, जब तक न होगा दीदार तेरा, अरे यहीं पर शाम होगी और यहीं पर सवेरा। बिट्टू कहाँ है मेरा बिट्टू? मुझे बिट्टू के पास पहुंचाओ, किसी को नवाब साहब मेरी मंजिल, किसी को मेरी मंजिल का पता पाया नहीं जाता।
जहाँ मेरा रजाई है वहाँ साया नहीं जाता। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं। ये वो नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जाता। जब से तेरा दीदार हुआ तुझे पाने को दिल बेकरार हुआ, तुझे पाने को दिल बेकरार हुआ। तेरी सूरत ने ऐसा जादू किया, हम शुद्ध बुद्ध अपनी खो बैठे, हाँ खो बैठे। नवाब साहब, बेगारी दामाजी के समीप गया होगा दामाजी? और दामाजी को फांसी लगने वाली है। यदि दामाजी को फांसी लग गई तो आपको बेगारी नहीं मिलेगा। दामाजी को फांसी? हाँ। और फांसी लग गई तो मुझे मृत्यु नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। एक काम करो, कहाँ फांसी लग रही है उनको मुझे ले चलो, जल्दी करो। तेरे ही है। और इधर फांसी की तैयारी कर रहा है मुंशी। अब तुम जाने वाले हो, आपकी कुछ अंतिम इच्छा, कुछ ख्वाहिश बोलो, क्या चाहिए? मेरी कोई इच्छा नहीं है अब। फिर भी थोड़ी बहुत किसी से मिलने की, किसी का दीदार करने की, कुछ खाने की, कुछ पीने की, भी बच्चों से मिलने की, बेगम से मिलने की? मुझे तो केवल मिलना था, उनसे मिल लिया। ठीक, अब तुम अपना कार्य करो। वो तो मैं करूँगा ही, समय है अभी फांसी में। हाँ हाँ, फिर भी ठीक, तो तुमको खुदा के पास ही भेज देता हूँ। मुझे भी जल्दी है और आपको भी जल्दी है। ए जल्लादो, हाँ फांसी का रस्सा तीन बोलते ही खींच देना। हिंदू फकीर में जरा सा भी सांस ना रहने पाए, अगर इसमें सांस रह गया तो तुम्हारे भाई में, ये मियां मुंशी में सांस नहीं रहेगा, समझ रहे हो? हाँ, थोड़ा हिला हिला के मरना, ठीक है? हाँ, मैं तीन बोलूंगा। ए! दो! ये धर जाओ, उतारो दामाजी को फांसी के फंदे, नीचे उतारो और पकड़ो, पकड़ो इस नामाकूल, पकड़ लो, भागने ही नहीं पाए, पकड़ लो। नामाकूल चुगलखोर, चुगलखोरी करता है, पकड़ के लो। चल, अब पता पड़ेगा तुझे, चल चल। नामाकूल है, चढ़ाओ फांसी के तख्ते पर, इसे चढ़ाओ, चढ़ाओ। मुझे माफ कर, चढ़ाओ। अबे चचे जान इधर आ, अबे चचे जान लटक इसमें, चल चढ़ाओ। अबे लटक, अबे सुनने दे, अबे लटक, चचे जान इस पर लटक। अरे लटक बे लटक, अरे पीर कहां क्या कर रहे हैं? नहीं लटका हुआ तुझे, चढ़ाओ इसे फांसी के तख्ते पर, इसे चढ़ाओ सूली पर। चढ़ाओ नामाकूल को, अरे चुगलखो, चुगली खाता है, चुगली हुजूर, क्या है? मुझे माफ कर दो तुझे, ये कैसी बाजी है? हाँ? प्राण कहाँ से निकलेंगे कोई पता नहीं है, ऐसा मत करो हुजूर। हुजूर मैं कभी मरा नहीं हूँ, मैं कभी मरा नहीं हूँ, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, इधर आ गया, मुझे माफ कर दो, आ गया, आ जा। खाने की आदत है मुझे, अब मांगता है माफी है? मैं तुझे माफ नहीं करूंगा, अपराध किया है तूने दामाजी का, दामाजी तुझे माफ कर देंगे, तो देख ले। दामाजी, अरे दामाजी, दामाजी, आप तो मेरे मामा जी हो, मेरे मूसा जी हो, मेरे फूफा जी हो, मेरे जीजा जी हो,
जो कुछ हो आला ताला राम रहीम कुरान जो आप हो आप ही हो और आप ही मेरे बाप हो, मुझे क्षमा कर दो, मुझे माफ कर दो, एक मौका दे दो, मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं मियां, ये रिश्ते मुझसे जोड़ रहा है, तू अल्लाह से जोड़ लेता तो तेरा काम बन, मेरे लिए तो आप ही है समय अल्लाह, आप ही जीवन दान देने वाले, क्या चाहते हो, आप ही मेरे अल्लाह हो, मेरे मौला हो, मैं मरकज में जाकर के आपका नाम ही बोलूंगा, मुझे माफ कर दो मेरे मौला, मैंने आपको माफ किया, अहवाले से अवन का सुन लेना गौर प्यारे, मैंने आपको माफ किया, माफ किया, माफ, खड़ा हो जा, खड़ा हो, ना लायक, देख लिया कितना रहम दिल है, इतने पर भी तुझे माफ कर दिया, माफ कर दिया, लेकिन मैं तुझे माफ नहीं, मैं जा रहा हूँ, मैं तेरी शक्ल नहीं देखना चाहता, नहीं मैं आपके साई दरबार में रहने वाला भी नहीं रखूंगा, नहीं मेरा जीवन निकल गया, अब मैं जा रहा हूँ वैष्णो बैठक में जाकर के ढकेल लगाऊंगा अमरूदों की, नालायक नवाब जी, मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना, जय श्री कृष्ण नवाब साहब, दामाद जी आपका बेगारी, आपने जो गंगा जमुना नाम के जखीरे लुटाए थे उसने सबाई कीमत अदा कर दी है, आप मुझे माफ करें और अपने बेगारी का एक दफा दीदार करा दो, एक दफा के नवाब साहब, हाँ मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूँ कौन मेरा बेगारी, और आपके अंदर इतना बड़ा परिवर्तन हुआ इस पर थोड़ा प्रकाश चाहता हूँ कि कहाँ तो मुझे आप फांसी देने वाले थे इस मियाँ के कहने से, और इतना बड़ा परिवर्तन कैसे आया, इस मियाँ मुंशी ने तुम्हारी चुगली खाई, लेकिन तुम्हारा बेगारी आया, उसने जो गंगा जमुना नाम के अपने जखीरे लुटाए थे पूरी सवाई कीमत अदा कर दी, सभी गोदाम भर डाले भर डाले, अब एक दफा उसी बेगारी का आप दीदार करा दो मुझे, एक दफा, बड़े आश्चर्य की बात है नवाब साहब, मैं आपका बेगारी और मेरा कोई बेगारी हो सकता है, हाँ दामा जी मेरा बेगारी कोई नहीं है, उसका नाम था बिट्ठू, बड़ा प्यारा नाम है बिट्ठू, बिट्ठू बिट्ठू, ओह बिट्ठू माने मेरे विट्ठल भगवान, जय हो, और मैं उनका चाकर और वो मेरे बेगारी बन के आए, नवाब साहब मैं आपके इस कृत्य से धन्य धन्य हो गया, यदि आप मेरी इतनी बड़ी कटु परीक्षा न लेते तो शायद मेरे विट्ठल भगवान को मेरे दर्शन न हो पाते, परं आज आपके इस मंगलमय संदेश से मेरे जीवन में एक मंगलमय संचार हो रहा है भक्ति का, और मैं उनके दर्शन आपको अवश्य कराऊंगा, चलो तो मुझे करा दो, चलिए, प्रेमियों ने जो बनाया बन गए प्रेम के बंधन में मोहन बन गए, बोलिए श्री विट्ठल नाथ की जय, देखो नवाब साहब दर्शन करो, ये ही विट्ठल हैं, ये ही विट्ठो हैं, दामा जी ये मेरा बिट्ठू नहीं है, ये तो कोई बुत खड़ा हुआ है, मेरा बिट्ठू तो झुक झुक के कॉर्निस करता था, माई बाप जोहार है, माई बाप जोहार है, ये मेरा बिट्ठू नहीं है, ये मेरे बिट्ठू, एक दफे तो आ जा अपना दीदार करा दे, मुस्फक सफीक रफीक दिल दोस्त मेरे, मेरे नजदीकी हकीकी ख्याल कीजिए, मेहरबान कदरदान नाला तू जहान बीच मुझसे गरीबों के गुनाह माफ कीजिए, नवाब बेकरार खड़ा तेरे दरबार बीच, नंद के कुमार जरा गौरव कीजिए, हिंदुओं के नाथ हो तो मेरा कोई दावा नहीं, अरे जगत के नाथ हो तो मेरी सुध लीजिए, हे मेरे बिट्टू भगवान बिट्टू, अगर आपका नाम जगन्नाथ है, जगत के स्वामी है, एक दफा मेरे सबक के आ जाओ, अगर तुम हिंदुओं के ही हो
तब मैं कुछ नहीं कहता, कुछ नहीं कहूंगा। दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा कुछ इधर भी रहा, कुछ उधर भी रहा। सुख मिला श्री अवध और ब्रज राज का, कुछ इधर भी रहा, कुछ उधर भी रहा। मैथिली ने कभी मोद मोदक दिया, राधिका ने कभी गोद में ले लिया, राधिका ने कभी गोद में ले लिया। मात्र सत्कार का मगन हो के सदा, कुछ इधर भी रहा, कुछ उधर भी रहा। दास रघुनाथ का बिट्ठू एक दफा दीदार कराओ बिट्ठू। हे विट्ठल भगवान, इस नवाब का उद्धार ही करना है तो इसे अपनी शरण में लीजिए ना। इसकी आर्त पुकार को सुनिए, कितना आश्वस्त हो रहा है ये, कितना दैन्य हो गया है। और जिसके जीवन में दैन्य आ जाता है प्रभु, आप उसके अंग संग रहते हो। आइए, जिस वेश में जिस भाव में आपने इस नवाब को दर्शन दिया है, आप भक्त वांछा कल्पतर हैं, आप इसकी वांछा की पूर्ति करें। आओ आओ विट्ठल भगवान, देखिए नवाब, देखिए नवाब साहब, ये आए विट्ठल, ये आया बिट्ठो। जुहार है, जुहार। ये है मेरा देखती बलिहार। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। बिट्ठो अब मैं आपसे कुछ नहीं मांगता, जो आपकी हृदय में आवे वे मुझसे मांग लियो। सब कुछ मिल गया, आपका दीदार हो गया, लेकिन अब तो यही मांगता हूँ और आपको देना ही पड़ेगा। अब मुझे छोड़ के नहीं जाओगे, मेरे पास रहोगे। ठीक है, ठीक है। दामा जी, आपको कहाँ चाहिए? प्रभु आपने मुझे इतना दे दिया और आपके दर्शन से इतना छक गया हूँ कि अब संसार की कोई इच्छा वांछा मेरे हृदय में नहीं रही है। क्योंकि हम कहाँ मांगे नाथ, आज हमने ऐसी निधि पाई या छवि आगे विश्व की सब संपत तो छ लखाई है। ओ या छवि आगे विश्व की सब संपत तो छ लखाई है। ये मनमोहन रूप नैनन में, और बार बार यही बर मांगू मोहि बास मिले वृंदावन में। ओ बार बार यही बर मांगू बास मिले वृंदावन में। इतना ही चाहिए, हे मेरे बांके बिहारी, मेरे नैनों से नैना मिलाए रहो। ई उमस्त। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री राधे।
कल 6:30 बजे समय से पधारेंगे, अब आरती होगी। क्षेत्र की लीला है गोपेश्वर महादेव की, शंकर लीला का दर्शन करेंगे, बहुत पावन शंकर भगवान का, बड़ी सुंदर लीला है। शिव त्रयोदशी भी है कल, और बड़ी सुंदर लीला का, शंकर लीला का दर्शन करेंगे। दृढ़ेन चरणन के रो भरोसो, दृढ़ेन चरणन के रो, बल्लभ नख चंद्र छटा बिन सब जग माहे अधेरो भरोसो, दृढ़ेन चरणन के रो, साधन और नाहि या कल में यासो होत निवेरो, सूर कहाँ कहे दुविध आधरो, बिना मोल को चेरो भरोसो, लड़िन चरणन तरहटी गोवर्धन की रही है, नित प्रति मदन गोपाल लाल के चरण कमल चित लई है, तन पुलकित रज रज में लोटत गोविंद कुंड में नहीं है, रसिक पीतम हित चित की बातें, गिरधारी जिसो कही है तरेटी गोवर्धन की, राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे जाम राधे जाम 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 राधे, राधा सर्वेश्वर सुखराज श्रीनंबार श्री हर व्यास कनक सनंदन सनत कुमार श्री नारद मुनि परम उदार, श्रीरंग देवी हर व्यापार योगल किशोर सदा सुखराज, जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन, लाडली लाल की जय, श्री कृष्णाय वासुदेवाय।